ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चू अब काम में ना वो बात नहीं रही, हमें ना मिलके कोई और कारोबार करना होगा, ना ऐसे तो नहीं चलेगा। बाबा मेरे जहन में एक कारोबार है, बोलो तो बताऊं। हाँ क्या? आलू के चिप्स। अरे बाबा बहुत चलते हैं, पूरे मुल्क में बच्चे ज्यादातर यही खाते हैं। बच्चू तुम आलू के चिप्स का कारोबार करोगे? शर्म करो, यहाँ कहेंगी मेरी दोस्त हैं। बाबा यही कि केचप ज्यादा डालो। अदा मेरे को बहुत जरूरी है, 10,000 रुपए की जरूरत है। लो भाई गांव बसानी और लुटेरे पहले ही आ गए। अरे बाला उधार मांग रही हूँ, तनखा मिलेगी वापस कर दूंगी। बाबा सीमा दे दो, तनखा मिलेगी बेचारी तो वापस कर देगी। हाँ तनखा मिलेगी तो वापस कर देगी, कहाँ से कौन सा काम करती हो जो तनखा मिलेगी तो वापस कर दोगी? तू भला इस घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। और क्या बाबा, देखो ना सारे काम सरीना करती है, अभी देखना तुम इस कमरे की ना झाड़ू भी लगा देगी। अब नहीं बाबा आज थोड़ी, आज तो बड़ा मेरी छुट्टी है ना। देखो सरीना हम लोग कारोबार की वजह से पहले ही बहुत परेशान है और ऊपर से मुनाफा भी बिल्कुल जीरो हो गया है। अरे भला तो एक काम करो ना, किस्मत आजमाओ, अब वो जो बैंक से मिलते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, कर्जे? अरे पापा वो जो जिससे वो निकलता है, इनाम, इनाम। अच्छा अच्छा प्राइस बॉन्ड। हाँ वैसे बच्चों ये कह तो ठीक रही है, चलो जाने से मशवरा कर लेते हैं। हाँ पापा चल चल चल। 10,000 रुपए चाहिए जरूरी। हाय हाय ये भी खाली, ये भी खाली। ऑर्डर ऐसे करते ये बना लो वो बना लो, क्या आप डालू मैं खाने के अंदर, पत्थर ही डाल देता हूँ मैं। जानी जानी क्या कर रहे हो? गुर्बत में आटा गीला कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ बनाने की लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्या करें जानी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए, जितने भी पैसे आते हैं सारे अखराजात में पूरे हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। हाँ बाबा जानी इसीलिए तो तुम्हारे पास आए। भाई मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो खुद आजकल खाली हूँ। हमें पता है बाबा तुम सदा के कंगले हो। ऐसी बातें नहीं करे बच्चों भाई। अरे छोड़ इन सब बातों को जानी, हम सोच रहे थे कि हम ना बैंक से प्राइस बॉन्ड ले ले, क्या अब तक हमारा निकला है? तो मैंने भी खरीदा था। अच्छा बाबा फिर निकला? हाँ बाजार गया, जेब से ही निकल गया। अरे तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या पता हमारा निकला है। ऐसी बात है तो खरीद ले। जाओ बाबा फिर ले आओ। देखिए मैं खाना बना रहा हूँ, एक काम करे आप जाके बैंक से ले। अरे बाबा मुझे कैसे पता कैसे लेते हैं? अरे बड़ा आसान है, बैंक जाएं और 5,000 के 5 बॉन्ड ले। हाँ हाँ बच्चू आप ही जाके ले आए ना। आ जा बाबा जाता हूँ। जी ठीक है। वैसे जानी हमारा प्राइस बॉन्ड निकल आएगा ना? ज्यादा खुश मत हो, अभी निकला नहीं है। बकवास बंद करो अपनी, काम करो, खाना बनाओ। अच्छा नाराज हो गई, एक तो मैं अच्छे मशवरे दे रहा हूँ ऊपर से नाराज भी हो रही है। अच्छा भाई क्या बनाऊं भाई, सो क्या बनाऊं यार। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो भाई जरीना? अरे भाई आप यहाँ बैठी हुए, बाहर देखे कितनी तेज बारिश हो रही है भाई, सारे कपड़े गीले होकर। आप मेरे को ये बताओ शौकत भाई, ये बगैर बताए आप हमारे घर में क्यों घुस जाते हो? इसकी ना दो वजह है, पहली वजह ये कि इस घर को मैं अपना घर समझता हूँ। अच्छा भला फिर दूसरी? दूसरी तुम खुद समझ जा, मुझे शर्म आ रही है। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मुझे शर्म आ रही है। किस बात पे? एक बात पे। क्या? मुझे शर्म आ रही है। अरे बाबा मेरे को गुस्सा आ रहा है। बस तुम्हारा यही गुस्सा तो मुझे अच्छा लगता है। अरे भला क्यों? क्या बताऊ मुझे ना शर्म आ रही है। अरे चरिया ये बताओ कि क्यों आयो, क्या काम है? एक काम है आपसे। क्या? मुझे शर्म आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, अरे भाई क्या हो रहा है? बेग साहब आप बला अचानक, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है। अच्छा भाई पहले तो ये बताओ कि आखिर यहाँ कहानी क्या चल रही है?
पता नहीं, आप इसी से पूछ ले। हाँ भाई, तुम भी बताओ आखिर क्या हो रहा है। अरे भाई क्या बताओ, मुझे ना शर्म आ रही है। किस बात पे? एक बात पे है? हाँ बताओ। हाँ बताओ भाई। क्या बताऊँ, मुझे ना शर्म आ रही है। एक बात बताए, आप भुट्टा खा के आ रहे क्या? तो फिर ये बाल कैसे लगे हुए? अरे भाई ये मेरी मूछें हैं, असली वाली। अच्छा 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 अच्छा, बासुर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई क्यों? मुझे शर्म आ रही है। एक मिनट, जो मेरी शर्म आ रही है भाई, शर्म आ रही है। अजीब आदमी। अच्छा भला छोड़े बेग साहब, आप बताएंगे आप क्यों आए? आपको भी भला क्या शर्म आ रही है? अरे नहीं भाई, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही, मुझे तो सीमा ने बुलाया था। वो लाउंज में बैठी हुई, आप वहाँ चले जाओ। अच्छा अच्छा, लाउंज में बैठी है, चले मैं मिल लेता हूँ। सब क्या नौकर लगे हुए क्या इसके? छुपकली बिरसा। अरे सीमा मैडम, सीमा मैडम क्यों रो रही हैं आप? क्यों ना रो जानी, मेरा एक ही शौहर था। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है आप ही ने तो भेजा था उसे। आखिर वो बैंक गया ही क्यों था? प्राइस बॉन्ड लेने के लिए। ओहो, तो इसका मतलब है उसे किसी ने प्राइस बॉन्ड समेत अगवा कर लिया है। भैया पुलिस में रिपोर्ट कर रहे हैं। आप नहीं हो क्या? क्या बकवास है ये? अरे भाई तो आपको इसलिए तो बुलाया। अरे भाई मेरा मकसद ये है कि आप पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। डाकू को पता चला ना उसी वक्त बंदे को मार देते। तुमसे ये डाकू होने गए? इतनी फ्रैंकनेस नहीं मेरी उनसे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जादी? अरे सब डाकू यही बोलते हैं, अब तो बच्चे बच्चे को ये पता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस बच्चू चाहिए। बेग साहब जरा बच्चू भाई दिला के दे। बेग साहब जा रहा है, देख रहे रो रही है, तुम कुछ करे, क्या हो गया? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साइमा। बच्चू है क्या? नहीं अभी तो घर पे नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। जी नहीं, अब वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अगवा कर लिए गए हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि उन्हें मेरे ही आदमियों ने अगवा किया है। अच्छा, मैं अखवा बराए तावान की ऑनर हूँ। अच्छा ये बताएं आपकी कंपनी कहाँ है? कंपनी नहीं, हमारी कंपनी नहीं है, हम फ्रीलांस काम करते हैं, जहाँ पार्टी देखते हैं बस उठा लेते हैं। अच्छा वैसे लगता नहीं है आपको देख के। पर ऐसा ही है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो आइए अंदर, फिर कुछ चाय पीते। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चों की बीवी घर पे है? क्यों उसको उठाना है क्या? अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी उठा लेंगे। अरे मिट्टी डाले उन पे, जरीना है ना उसको उठा लेंगे। जरीना कौन है? है एक पार्टी। आइए अंदर आइए, अंदर आइए। सही है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बेग साहब कैसे पुलिस वाले आप, एक बंदा नहीं ढूंढ सकते? अरे सीमा मैडम बंदा क्या, हम तो आपके सामने जिन को लाके खड़ा कर दें। कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही सामने है। आइए 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 आइए, देखिए सीमा मैडम कौन आया। कौन? बच्चू। लेकिन मैंने तो ही भेजा था, ये शी बन के कैसे आ गया? क्या बकवास है ये? आवाज भी बदल गई है। नहीं नहीं सीमा मैडम, ये बच्चू नहीं है, ये साइमा रानी, डाकू रानी की छोटी बहन। अच्छा तो तुम लोगों ने पुलिस को भी बुला के रखा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, देख लूंगी मैं तुम लोगों को। नहीं 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 नहीं, घबराए मत, ये पुलिस थोड़ी है। मतलब? मेरा मतलब पुलिस तो है लेकिन ये घर के आदमी है, आते जाते रहते हैं ये। खैर कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी से नहीं डरते। वैसे मैं आपके आने का मकसद पूछ सकता हूँ? बताती हूँ, बच्चों को हमने ही अगवा किया है, और अगर जरा भी चलाकी करने की कोशिश की तो बच्चों की लाश मिलेगी, लाश। नहीं नहीं नहीं, ये बताएं कि आपको क्या चाहिए? तावान। तावान ना मिले तो ताफ्तान चलेगा? मैं यहाँ कोरमा खाने नहीं आई जो ताफ्तान चलेगा। ये बताएं कि कितने ताफ्तान, मेरा मतलब कितना तावान चाहिए आपको? पहले इस पुलिस वाले को घर से निकालो फिर बताती हूँ। देख साहब दरवाजा देख रहे हैं, सीधा निकल जाए, पीछे मुड़ के मत देखना, पत्थर के हो जाओगे। चलो
आइए आइए, इधर आइए इधर आइए। आप बताए ना कितना सामान चाहिए आपको? एक तो ये जानी भी ना काम चोर हो गया, सारे काम जो ना उसे बोला मुसीबत के करता रहता है, वो भी काम चोर ऊपर से जानी। ओ चकरी 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 चकरी, अंदर किधर जा रही है? दरवाजा खुला था ना, मैं आ गई। तो दरवाजा खुला तो क्या भला अंदर आ जाएंगे? हाँ मुझे साइमा ने बुलाया है ना। अरे साइमा ने बुलाया तो भला साइमा के घर जाओ, यहाँ क्यों आई हो? साइमा यही है। और नहीं नहीं बाबा, यहाँ नहीं रहती साइमा। खट्टा मीठा हाउस यही है ना? हाँ खट्टा मीठा हाउस यही है, पर तुम कौन हो? मैं आपदा रानी हूँ, साइमा रानी की बड़ी बहन। अरे भला बात क्या है? बच्चों को हमने ही अगवा किया है ना, तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ बात करने। क्या आधा बच्चों अगवा हो गया? हाँ तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं बाबा मैं खबरें नहीं सुनती ना इसीलिए। ऐसी बातें खबरों में नहीं आती, मुझे अंदर लेके चलो बात करते हैं फिर। अच्छा, जल्दी अच्छा, चलो चलो। अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही आप, इतने पैसे आप कहाँ से लाएंगे? अगर बच्चों जिंदा चाहिए तो इतने ही पैसे लगेंगे। मैडम कुछ पैसे कम कर दें, चाहे लाश ही दे दें। तुम अपनी बकवास बंद करो, ये बताएं कि ये 10 लाख रुपए हमें देने कहाँ होंगे? मैंने आपदा को फोन कर दिया, वो आती होगी, पैसे हमें यही चाहिए। ये कोई चकरे आई आपसे मिलने? आओ आपदा बैठो बैठो, ये मेरी बंदी है। ये भी आपकी बंदी है? आपके ग्रुप में कितनी बंदियां हैं? क्यों? असल में आजकल मैं कुंवारा घूम रहा हूँ इसलिए पूछ लिया। जानी मेरा आधा अगवा हो गया, भला मेरे को किसी ने बताया भी नहीं। क्यों? तुम्हें बताने से क्या बच्चू वापिस आ जाएगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने मशवरा दिया था बॉन्ड खरीदने का। अरे इस लड़की को कुछ मत कहना, अगर ये मशवरा ना देती तो हम बच्चों को अगवा कैसे करते? शाबाश जरीना। अरे ये बताए कि अब करना क्या है? करना क्या है, जल्दी पैसे दे ताकि हम बच्चों को यहाँ लेकर आए, वरना वो वहाँ मार खाता रहेगा। वैसे बताओ भला तुम लोग महीने में कितना कमा लेती हो? क्यों आपको क्या काम है इससे? अरे नहीं बाबा ऐसा करो कि मेरे को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। बकवास बंद करो, बाहर पैसे लेके आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, चलो आपदा। जानी अब क्या करेंगे? चेलम खुदा का खोप का खाक पड़े तुम्हारे मुंह में, बेचारे मेरे दा के लिए कैसी बातें कर रहे हो? अरे फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो आप तो बेग साहब है ना? जी जी मैं ही बेग साहब हूँ, लेकिन तुम दोनों कौन हो? सर हम यही रहते हैं। अच्छा लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे भाई मैं गश्त पर हूँ यहाँ। लेकिन आप तो एक ही जगह बैठे हैं, ऐसा लग रहा है आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अच्छा अच्छा जाओ अपना काम करो, चलो शाबाश। अरे साहब कोई काम मिले तो काम करे ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बेरोजगार बैठे हुए एक हफ्ते से खाना भी नहीं खाया। अच्छा तो फिर जिंदा कैसे हो भाई? जूस पे चल रहे हैं। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? कुछ पैसे मिल जाएंगे। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती पुलिस वालों से पैसे मांगते हुए? अच्छा तो आप एक बात बताएं, आपको तनख्वाह कौन देता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? अवाम से। तो अवाम अपने ही तो पैसे मांग रही है, लाए 1000 रुपए निकाले, 500 रख लेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा भाई तुम लोग तो बड़े जहीन हो, चलो भाई कोई बात नहीं, ये लो 1000 रुपए पकड़ो, 500 इसे देना, 500 तुम रखना, ठीक है? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अबे भाई किस बात के 1000 रुपए मुझसे ले गए? अबे तो साले बहुत ही ज्यादा चालाक निकले। ओए होए होए होए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। तुमने सारे लड़कों को बता दिया है ना कि हमारा सारा प्लान तैयार है, पैसे मिलते ही निकलने वाली करो। हाँ लेकिन वो बेग साहब को भी तो पैसे देने हैं ना। मैं तो कहती हूँ उनको पैसे ही मत दो। लेकिन सारा प्लान तो उनका ही है, अगर उनको पैसे नहीं देंगे तो मसला नहीं हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ है पुलिस वाला, अगर अक्ल होती तो अपनों के साथ इस तरह करता। ये बात भी सही है। एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। कैसी बातें? वो ही जो आप दोनों कर रही थी। अगर सुन ली है तो क्या कर लोगे? कर तो घर में बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत है ना, तरस आ जाता मुझको। ये तो है। अच्छा एक बात बताए, सच सच बताना,
आप दोनों क्या असली में डाकू हैं? नहीं, हम तो एक्टर्स हैं और हमें तो बेग साहब ने कहा था कि यहाँ पर आकर एक्टिंग करनी है और ये सारा प्लान भी ना उन्हीं का था। वो तो खैर मैं देखते ही समझ गया था कि आप दोनों मॉडल ही हैं। वैसे वाह बेग साहब वाह, जिस हॉटस्पॉट में खा रहे हो उसी में चेत कर रहे हो, देख लूंगा। अच्छा हमें माफ कर दें और बताएं अब आगे क्या करना है। एक काम करो, बेग साहब को फटाफट फोन करो और उनको यहाँ बुलाओ, मैं जब तक सीमा मैडम को संभालता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी कॉल मिलाओ। हाँ बेग साहब, काम हो गया, आ जाएं। जी जी हाँ। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम यहाँ कैसे, खैरियत? बेग साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे भाई मैं ड्यूटी पर हूँ यहाँ। हाँ बेग साहब आपसे एक काम था। अच्छा अच्छा ठीक है, हो जाएगा काम, तुम बाद में आ जाना किसी वक्त। बेग साहब मेरे कजन को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। अच्छा ठीक है, तुमसे कह रहा हूँ ना, हो जाएगा काम, बाद में किसी वक्त आना, ठीक है? अभी तुम जाओ जाओ, शाबाश। अरे जाओ ना यार, तुम्हें कह रहा हूँ जाओ। अरे जाओ यार। अरे भला ये मुंह फाड़ फाड़ के क्यों रो रही हो? तुम्हारे इस तरह मुंह फाड़ के रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? चुप करो जरीना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बल्ले, तुम्हारे दिल में भी लालच थी, याद नहीं है क्या? भला सही बात है, लालच बहुत बुरी बला है। सीमा मैडम, सीमा मैडम, आंसू पोंछ ले आप। क्यों भला, क्या आधा मिल गया है? नहीं। तुम्हें क्यों पोंछ दूं? बच्चू का पता चल गया है। क्या? हाँ, कि वो जोरू के गुलाम है। जानी भलाई, क्या कह रहे हो तुम? हाँ ना, जोरू के गुलाम है। अगर वो ना होते तो एक कहने पे थोड़ी जाते और यूं अगवा भी नहीं होता। अरे अब हम क्या करेंगे जानी? मैंने सब अरेंजमेंट कर लिए, इधर आए मैं आपको बताता हूँ। बस आज रात सबको पता चल जाएगा। चले मैं जरा सूरत हाल देखता हूं। पता नहीं ये बेग साहब कहां रह गए, तब तो आ जाना चाहिए। अरे तुम दोनों ने मुझे कहां बुला लिया? मैंने तो तुमसे कहा था कि पैसे पकड़ो और निकलो। हम ये नहीं कर सकते, हम एक्टर्स हैं, डाकू नहीं हैं। आप अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई ये सब मैं खुद से थोड़ी कर रहा हूँ, ये सारा प्लान तो बच्चों का था, वो सीमा के बाप से पैसे मंगवाना चाहता था। हैंड्स अप बेगू, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हैंड्स अप, हैंड्स अप। लेकिन जाने ये तो अपने बेग साहब हैं। अपने थे, अब नहीं रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बच्चू भाई को अगवा किया है। बेग साहब मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। तो फिर कैसे समझती थी? नहायत ही घटिया। बेग साहब ये आपने क्या किया? अरे ऐसा करने के लिए मुझे तो बच्चू ने कहा था, ताकि वो तुम्हारे बाप से पैसे मंगवा सके। वाह वाह वाह, क्या आइडिया था मेरे अदा का। बकवास बंद कर तुम अपनी, बच्चू खुद का है? थाने में। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओह उसे तो बाद में छोड़ना, पहले इनका क्या करना है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। इन पर मिट्टी फेंक देते हैं। पर पहले हमारी पेमेंट तो दे दे। तुझे तुझे अपने पेमेंट की पड़ी हुई है, वो ना भाग जा। अरे सारी बातें छोड़ो, मट्टी उठाओ और इन पे डालो। हाँ हाँ चलो। चिड़िया ले गई हो गई। अरे बेरे हो गए हो, सब गूंगे हो गए हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को। सीमा मैडम, रिश्तेदारों को तो बताना पड़ेगा कि अब बच्चू भाई दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं जानी, रिश्तेदारों को नहीं बता सकती मैं, और वैसे भी आधे रिश्तेदारों को तो अभी तक मेरी शादी का ही नहीं पता। सीमा मैडम बच्चू भाई के दोस्त है फारिक, ताजियत के लिए आए मैं। अल्लाह, इतनी प्यारी भाभी छोड़कर मरा है हमारा दोस्त। बस कर दे भाई, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हो गया भाई, मुझे भी तो बताओ क्या गलत हुआ? इतनी प्यारी भाभी और हमें पता ही नहीं था। तू ठहर के पिटेगा या अभी पिटेगा? जानी शाश्लिक और फ्राइड राइस मंगा लेते हैं। बाबा मैं तो पिज्जा खाऊंगी। हाथ धो गई है बाबा, वहाँ मेरी लाश पड़ी है, उसको दफनाने की किसी को फिक्र नहीं है, और यहाँ खाने के मेन्यू पे लड़ाई हो रही है।
एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब मंगवा लेते हैं, मिलजुल के खा लेंगे। तुम्हारे मुंह में खा के तुम मेरे अदा को जन्नू में बोल रहे हो? जितनी ख्वारियां उन्होंने मुझे दी है ना, जन्नती भी नहीं हो सकते। तो क्या बच्चू बीच में खड़े रहेंगे? अरे बाबा, मुझे लगता है मैं इसीलिए यहाँ भटक रहा हूँ। अरे जालिमो, मेरी लाश को तो दफना दो। मैंने बाबा साईं को तो बताया ही नहीं। अरे बाबा, कितने जालिम लोग हैं, मेरी मौत की खबर मेरे बाबा जानी तक को नहीं दी है। वैसे बहुत गलत बात है सरीना। बाहर भी नमक है कम, आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा।